चितकारा यूनीवर्सिटी के स्टूडेंट्स वालों बहुत ही अनोखा एक वाहन तैयार किया गया, जिसकी स्पैशलिस्ट यह है कि टायर तो कुछ चीज़ों को छड़ के बाकी सारा कुछ जिन्ना भी बनाया गया है सारे का सारा स्क्रैप मटीरियल तो तैयार किया गया। तो अज इस जानकारी देने के लिए साडे नाल चितकारा यूनीवर्सिटी के अधिकारी मौजूद ने, असीं उन्हां तों पुछदे हां कि इस दे विच की खासियत है, किन्ने समय के तैयार। सर सब तो पहला तुहाडा नाम की है जी? मेरा नाम है बलराज। बलराज जी, और मैं इस बहा के कन्वीनर हूँ। हाँ जी, इहदे विच की तैयार किया गया ते किन्ना समा लगेगा? तो इसमें टायर, गियरबॉक्स और इंजन के अलावा बाकी जो भी सामान है ये सब हमारे बच्चे खरीद के अपने खुद के डिज़ाइन के हिसाब से बनाते हैं, जिसको 6 महीना टाइम लगता है। इसको बनने के बाद इसका जो सेफ्टी पार्ट ऑफ इट जो होता है उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, इसका ब्रेक्स इवैल्यूएट करते हैं हम, इसका जो भी बाकी के जो सामान है वो व्हीकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से कन्फर्मिटी है नहीं है वो हम इवैल्यूएट करते हैं, और उसके हिसाब से हम बच्चे लोगों को अपना मार्क्स देते हैं। तो इन बड़ा जो इवेंट करवाया गया, इन बड़ा जी इन इस चीज़ को तैयार किया गया, तो ये कि समा लग गया, तो किन्ने स्टूडेंट लगे? हर टीम में 25 स्टूडेंट्स होते हैं और उनके 2 गाइड होते हैं प्रोफेसर के नाते। ये कॉम्पिटिशन एक्चुअली हम किए क्यों, एक ज़माने में जब हम देखें हर बच्चे लोग आईटी और कंप्यूटर के पीछे भागते थे, और हमारे कंट्री में उस ज़माने में एक विजन था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 20 साल के अंदर हमारे कंट्री नंबर 3 रैंक में आएंगे, और उसके लिए स्टूडेंट्स को तैयार करनी थी, उसके लिए स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट को बढ़ानी थी। तो डॉक्टर गोयनका ने ये सोचा कि हम ऐसे कुछ एक कॉम्पिटिशन करें जिसमें बच्चे लोगों का पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ जाए, बच्चे लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इस डिसिप्लिन जो बहुत अवश्य है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उसमें वापस उनको ड्रॉ करें, उनको ड्रॉ करने के इंटरेस्ट उनका बढ़ाने के लिए ये कॉम्पिटिशन बनाया गया था। तो सर जी तुम टेक्निकल एजुकेशन की गल की, टेक्निकल लोगों जो स्किल के माहर करने की गल की गई है, स्किल डिवेलपमेंट की गल की गई है, इतने तो ये जो वाहन हैगा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है? बिल्कुल, ये बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली इसके लिए है क्योंकि इसमें जितने भी मार्क्स हम देते हैं उसमें ब्रेक्स, सेफ्टी सबका मार्क होता है, मगर इसका जो एनवायरमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका जो एग्जॉस्ट जो एमिशन, हर गाड़ी का एमिशन के लिए भी हम बहुत से एक मार्क और बड़ा अवार्ड भी देते हैं, जिसमें बच्चे लोग उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करके उनके गाड़ी का एमिशन लेवल्स जो हम बाहर गाड़ी चलती है उससे भी काफ़ी कम थी एमिशन लेवल के लिए, कुछ कुछ उनका अपना इनोवेटिव आइडियाज़ लगा के करती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बच्चों को दिता गया, इन्ना वधिया इनिशिएटिव लिया यूनीवर्सिटी ने, स्टूडेंट्स ने लिया, तुसी उन्हां दी मदद की हैगी, तो कितना कारगर सिद्ध होने वाला है, इसकी कितनी डिमांड अगे होने वाली? ये मैं समझाने वापस, मतलब कितना ये कितना फायदेमंद रहने वाला, इसकी डिमांड कितनी रहने वाली? हाँ, तो मान लो कि हमारी कंट्री आज से 10-15 साल पहले वर्ल्ड रैंकिंग में 20 थे इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल, एक जमाने में खाली प्रीमियर पद्मिनी बनता था, अब आस्ते आस्ते मारुति आया, अब देखो सैकड़ों मैन्युफैक्चरर्स हमारे कंट्री में आके नवे नवे मॉडल निकालते हैं। ये इंडस्ट्रीज के लिए रिसोर्स चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मौका चाहिए, और वो स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स बहुत हेल्प करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को नौकरी में जाने के पहले प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है, जब वो इंडस्ट्री रेडी हो जाता है, जब इंडस्ट्री में काम करने को जाते हैं तो ऑलरेडी उनके पास अपना प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से वो 1 स्टेप अहेड होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सो एसी कन्वीनर जिन्होंने सानू दस्या कि कोआर्डीनेट करके इन्होंने स्टूडेंट ते जिहड़ी इन्हां दी टीम दे विच कोआर्डीनेट कीता, महिंद्रा ने कोआर्डीनेट कीता हैगा, इसे नाल इसकी गल करदे हां कि बाजा सी इंडिया जिहड़ा 2020 दा नाम रख्या गया, ब्रेकिंग काउंट डाउन, मतलब जिहड़ियां कि चीज़ां ने सारियां स्क्रैप तो लैके इसनूं तैयार किया गया, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैगा वै, हुण देखणा होगा कि यह चीज़ मार्केट दे विच अपनी किन्नी धमाल मचा सकदी है। कैमरामैन कमल दे नाल हरप्रीत सिंह जसोवाल, चंडीगढ़।